हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 से 5 के प्रोजेक्ट वर्कशीट 13 पर कार्य करेंगे। यह प्रयास अभ्यास पुस्तिका मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा जारी हुई है, जिसे हमारा घर हमारा विद्यालय चरण 3 के लिए तैयार की गई है, जिसमें यह प्रयास पुस्तिका आपको अपने विद्यालय से दी जाएगी, जिसे आप ग्रीष्मकालीन अवकाश में इसको पूरा भर करके और अपने विद्यालय में जमा करेंगे, जिससे आपको इसमें 40 अंक प्रदान किए जाएंगे। वर्कशीट 13 को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगी। आइए अब हम देखते हैं वर्कशीट 13 पर कार्य करेंगे। तो इसका जो पहला प्रश्न है, देखो सोचो बात करो, तो हमको इस क्षेत्र में देखना है और सोचना है, फिर इस पर चर्चा करना है। तो हम देखेंगे, ये बालक बालिका का चित्र है, इसमें हमको देखना है कि इस चित्र के माध्यम से हमें ये समझना है कि इस चित्र में क्या हो रहा है, चित्र से क्या समझ में आ रहा है। तो यहाँ एक बालक है, एक खुश नुमा अंदाज में उस बालक का चेहरा मुखौटा जो है दिखाई दे रहा है। यहाँ एक बालिका है, एक बालिका जो मुंह बनाते हुए नजर आ रही है, और यहाँ जो बालक है किसी बात से लेकर आश्चर्यचकित टाइप से विचार व्यक्त करते हुए चेहरा बना हुआ है। यहाँ एक बालिका है जो बहुत खुशी से हंस रही है, यानी किसी ऐसी कोई बात है होगी जिससे ये हंस रही है, और ये बालक के जो है इसका मुंह बना हुआ है, ये कोई ऐसा लग रहा है कोई गुस्से में है, तो इस तरह से इसमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ ये बालिका है, ये भी आश्चर्यचकित जैसे माहौल में दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हमने इस क्षेत्र में देखा, इसकी विषय में सोचा और इसमें चर्चा किया। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 2, गिनो और सही संख्या पर घेरा लगाइए। तो हमको क्या करना है, उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ बैल की संख्या है 1, 2, 3, 4, तो 4 पर घेरा लगा हुआ है। यहाँ 3 संख्या थी, 4, 7, 3, तो 4 इसमें सही है, तो इसमें गुना लगा हुआ है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 5, 7, 2 है संख्या। अब यहाँ संख्या गिन लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, तो इस 5 पे गुणा लगा देंगे। इसके बाद यहाँ देखेंगे 7, 5, 6 संख्या है, तो यहाँ पर देखिए आप कितने वस्तु है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो 6 में गुणा लग जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 5, 8 और 4, यहाँ पर देखते हैं वस्तु कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है, तो यहाँ पर 8 पे गुना लगा देंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पर प्रश्न 3 है कि क्रम अनुसार जो और चित्र बना। तो हमको एक क्रम दिया हुआ है, इनको हमको जोड़ना है और चित्र को बनाना है। तो हम यहाँ से जब प्रारंभ करेंगे, जोड़ेंगे, तो ऐसे चलेंगे हम, ऐसे जोड़ते जोड़ते जोड़ते, या इधर से ऐसे जोड़ते 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 जोड़ते, ऐसे हम यहाँ तक पहुँच गए। तो हमें एक बाटल जो है यहाँ पर प्राप्त होगी, इसकी आकृति हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पर भी हम देखेंगे, इसको भी जोड़ते 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 और यहाँ तक पहुँच गए, तो यहाँ एक वृत्त बन गया। यहाँ हमने लिख दिया कि वृत्त बना हुआ है, तो इस तरह हमको जोड़ लेना है और बना लेना है। इसके बाद देखेंगे हम, बिंदुओं को क्रम से मिलाकर चित्र को पूरा कीजिए। तो हमें एक से चल करके, हम एक से यहाँ चले, इस तरह से हम मिलाते गए बिंदुओं को, इस तरह मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, तो यहाँ पर एक आकृति बनी जो बहुत सुंदर है। अब देखिए इसमें प्रश्न 4 है, अलग कोना ढूंढकर बताइए एवं घेरा लगाइए। अब यहाँ हमको देखिए चिड़िया और पक्षियों में है, इन पक्षियों से भिन्न मोर यहाँ पर है, तो हमने मोर पर गुना लगा दिया। तो इस तरह हमारी वर्कशीट 13 जो है पूर्ण हुई। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह वर्कशीट 14 को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।